सूरत कपड़ा व्यापारी को उनकी निवेश की गई राशि नहीं लौटाई गई। नियोजन साजिद के तहत धोखाधड़ी करने के आरोप में सारा इंडिया के सुब्रत राय समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ खटोदरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत के कपड़ा व्यापारी ने इस वक्त सहारा सुब्रत राय के और उनके एक दर्जन गुर्गों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त जी हाँ दोस्तों पुलिस में दर्ज कराया है और 11 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी इनके साथ की गई है। तो दोस्तों आगे खबर है कि पुलिस के मुताबिक सहारा इंडिया के चेयरमैन व निवेशक सुब्रत राय, अशोक श्रीवास्तव, प्रलय कुमार, पलित राणा, जिया विनीता, सक्सेना, सुमिता अग्रवाल, एजेंट वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे, अशोक राय चौधरी, गोविंद तिवारी, विनोद अस्थाना, शाखा प्रबंधक ए आर मिश्रा, क्षेत्र प्रबंधक अन्य ने मिलकर सिटी लाइट अणुव्रत द्वार सुदर्शन अपार्टमेंट निवासी कपड़ा व्यापारी संजय कुमार मुकारमा 50 के साथ नियोजित साजिद के तहत धोखाधड़ी की। संजय ने 2009 में उधना मलदला रोड सोनियो सर्कल स्थित सहारा इंडिया की ब्रांच में सहारा ग्रुप के दो कंपनियों सहारा रियल इस्टेट व सहारा फाइनेंस में पत्नी व बच्चों के नाम 9,10,900 रुपये का निवेश किया था। 2010 और 11 में इन दोनों कंपनियों का सेबी के साथ कोई विवाद होने पर उन्होंने नियोजित साजिश के तहत 2012 में बॉन्ड वापस ले लिए। ब्रांड के तत्कालीन प्रबंधक व एजेंट ने रुपया नहीं लौटाए। उन्होंने 6 साल 2017-18 में दुगने से अधिक रिटर्न मिलने पर अन्य कई लाभ मिलने के झांसे देकर सहारा क्यू शॉप के 12,77,100 रुपये नए बॉन्ड दिए। यह दोस्तों जिस वक्त 2011-12 में इनके साथ सेबी से विवाद चल रहा था उस वक्त इनसे बॉन्ड वापस मंगाए और उनको आगे की डेट देकर क्यू शॉप नाम की इनकी कोई अपनी इकाई थी उसमें इनको कन्वर्ट करा दिया गया। तो इस तरीके से दोस्तों एक बहुत बड़ा फ्लॉट सामने निकल कर हर एक निवेशक का आ रहा है। यही वजह है कि 21,100 करोड़ रुपया जो सेवा विभाग पर गया था वो निवेशकों तक इसीलिए नहीं पहुंच पाया दोस्तों, क्योंकि ये पैसा इसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। जब एक ही ग्राहक का 12 लाख रुपए से ज़्यादा दिया दोस्तों, सूरत का यह व्यापारी है, इसका 12 लाख से ज़्यादा रुपया सहारा ब्रांचों में कन्वर्ट कर दिया गया और उस पर तुर्रा ये कि इन लोगों से बॉन्ड मंगा कर दोस्तों और उनको कन्वर्ट किया गया। तो ऐसी स्थिति में सेवा विभाग के पास उसके पोर्टल पर कहाँ से पैसे मांगने वालों के दोस्तों डॉक्यूमेंट जाते। यही वजह है दोस्तों कि 21,000 करोड़ रुपए में से कुल 106 करोड़ रुपए की देनदारी निवेशक को तक गई और दोस्तों उसमें भी ना जाने कितने बॉन्ड रिजेक्ट किए गए जिसका ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ दोबारा देने का मकसद हमारा यही था कि आप लोगों को ये सही तरीके से ज्ञात हो जाए कि ये 21,000 करोड़ रुपया का जो ड्रामा सारा सुब्रत राय ने सेबी के साथ खेला था उस ड्रामे में वे सक्सेसफुल रहे और कामयाब हुए जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो पैसा अब सारा सुब्रत राय वापस ले चुके हैं और अब अपने औद्योगिक धंधों में लगाने में